ये बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 7 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं हूँ हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो बच्चों जो भी आपको प्रॉब्लम होती है प्लीज़ आप उसे वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आप कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अन्य वीडियो के लिंक आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लेकर वहाँ से मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हम करने वाले हैं बच्चों। यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। साथ ही हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, लिखा सिंप्लीफाई करना हमें। सिंप्लीफाई करना है बच्चों, लिखा 9। ठीक है, और W की पावर है बच्चों यहाँ पर 3 और Z की पावर है बच्चों 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं थोड़ा दूर है तो 36। तो 36 की यहाँ पर W की पावर है बच्चों 3 और Z की पावर है बच्चों यहाँ पर 3। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो अब बच्चों यहाँ पर आइए करना शुरू करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है तो मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से, और 36 W की पावर 3 और Z की पावर 3 यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो W की पावर 3 से W की पावर 3 हम काट देते हैं, और साथ ही 9 से 9 वन जा 9, 9 फोर जा 36। तो यहाँ पर बच्चों, और ये Z की पावर 5 है, Z की पावर 3 है, डिवाइड की फॉर्म में है, तो इस कंडीशन में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर Z की पावर क्या बच जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर 1/4 और Z की पावर 2 आ गई बच्चों। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि Z की पावर 2 कैसे आई। मैं इधर दिखा तो Z की पावर 5 और डिवाइड का फॉर्म ये जैसे ये लिखा हुआ था, तो इस तरीके भी हम लिख सकते हैं, या Z की पावर 5 और डिवाइड Z की पावर 3, दोनों तरीके सही हैं बच्चों। दोनों बेस इक्वल है, बीच में डिवाइड का साइन है, इनमें से एक बेस लेंगे और इनकी पावर को क्या कर देते हैं बच्चों, माइनस कर देते हैं। तो बच्चों जेड की पावर क्या आ गई, 2। तो इस तरीके से जेड की पावर 2 आई है। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 तो फाइंड द वैल्यू करनी है, उसमें लिख लेता हूँ एक बार फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है बच्चों, 16 की पावर 1/2 और यहाँ पर बच्चों है प्लस का साइन, साथ ही 4 की पावर गिवन है बच्चों इसके अंदर 1/2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर और ये होल ब्रैकेट बंद कर दिया, और यहाँ पर पावर है बच्चों 2। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। आइए, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर 16 की पावर 1/2 और प्लस 4 की पावर 1/2 यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर ये 2। मैंने ये क्वेश्चन को लिख लिया। तो देखो बच्चों यहाँ पर 16 है, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 4 की पावर 2 लिख सकते हैं इस तरीके से, और 1/2 यहाँ पर। ठीक है, ये 4 है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और यहाँ पर 1/2, और ये ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, और बाहर तो 2 है ही। ठीक है, तो 2 से 2 को डिवाइड किया, 2 से 2 को डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो 4 प्लस 2 ये आ गया, और इसकी पावर रह गई 2। ठीक है, आप 4 और 2 को ऐड कर देते हैं 6, और 6 की पावर 2 और 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 36। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ये दो क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, इसमें से सीख कर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।